school we used to know. Huh? There were all these things, Rose Day, Teddy Day. Not anymore. I didn't know today's hug day, but thank you. I think it leads up to Valentine's Day. Which is tomorrow. Tomorrow. Yeah. Okay, so मैंने वायला जी का काम देखा हुआ एक्चुअली पहले तो मुझे हमेशा से ही बहुत इंटरेस्टिंग बहुत एलिगेंट और शीक लगता है विच इज़ समथिंग आई ऑल्सो लाइक टू वेयर पर्सनली और मैं बहुत एक्साइटेड थी मतलब से वेट करती थी कि कब मुझे थोड़ी हाँ स्पेस मिले और मैं आके बिकॉज इट वाज सो क्राउडेड एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड टू सी द कलेक्शन आई वांटेड टू कम एंड सी एंड व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर इज बिकॉज माई फेवरेट पीसेज आर हियर जस्ट लाइक द प्रिटी वन दैट वायला इज वेयरिंग हरसेल्फ द ब्लश कलर टॉप आई लव दी आई थिंक दिस इज सो Especially now that summer is going to come, I think it's the most beautiful color. Looks good on all skin tones also. Thank you. This is our Shantriyal collection. This is a couture collection. And we wanted to cater to the destination wedding audience. इट्स अगर कोई लड़की मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स दुनिया में हर जगह होती है जैसे यूरोप में कहीं हो रही है या कहीं पे इंडियन जड़ तड़ कपड़े पहन के नहीं जाना है तो ऐसे यूरोपियन एम्ब्रॉयड्रीज में लहंगा हो गया या कोई गाउन हो गया तो एक इंडियन लड़की दुनिया में कहीं भी पहन सकती है कि कोई फॉरेनर भी पहन सकती है ये एक ज़्यादा ग्लोबल ऑडियंस को अपील करने के लिए कलेक्शन बनाया गया है हमने मिलान फैशन वीक में भी प्रेजेंट किया था लास्ट ईयर तो उस कलेक्शन को का इंस्पिरेशन लेके हमारी कंट्री के ऑडियंस के लिए भी हमने एक लहंगास का कलेक्शन और गाउन्स का कलेक्शन उस कलेक्शन से इंस्पायर करके बनाया है ये भी ये वाहिला का ही क्रिएशन है व्हाट आई एम वेयरिंग ये हमारे विजन ऑफ सलोम कलेक्शन में से है जो एक ब्लैक और गोल्ड कलेक्शन है उसमें बहुत सारे फ्रिंजेस है वो डांसिंग गर्ल्स से इंस्पायर्ड है और इसमें चेन एम्ब्रॉयडरी है क्योंकि गोल्ड में ज़्यादा करके लोग जरदोजी का काम करते हैं तो हमने सोचा कि क्यों नहीं चेन्स को लेके एम्ब्रॉयडरी की जाए कुछ अलग और डिफरेंट टेक्निक एम्ब्रॉयडरी का सो दैट्स व्हाट दिस कलेक्शन इज़ अबाउट चेन डिटेल इन फैक्ट इसलिए मैंने कोई एक्सेसरीज भी नहीं पहनी है बिकॉज इट्स सच अ ब्रिलियंट लाइक यू नो थिंग गोइंग ऑन ऑल ओवर माई जैकेट आई थॉट और कुछ पहनने की जरूरत नहीं है बट अबाउट द न्यू कलेक्शन ऑल्सो आई फील इट्स ग्रेट फॉर लाइक डेस्टिनेशन वेडिंग्स दिस इयर सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड एंड यू नो देयर ऑल पिकिंग प्लेसेस लाइक यू नो लाइक डिफरेंट लाइक आइलैंड्स और व्हाटएवर वो सो ब्यूटिफुली अगर कहीं बाहर कोई शादी अटेंड करनी हो या जस्ट एनी काइंड ऑफ कॉकटेल और व्हाटएवर ओके क्योंकि वेडिंग की बातें हम बाद में करेंगे लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में वैलेंटाइन डे चल रहा है जी रोमांटिक सीजन चल रहा है टुमारो इज वैलेंटाइन डे जी यानी स्पेसिफिक प्लानिंग होती है कृतिका कामरा जी की तरफ से नहीं एक्चुअली किसी और को प्लानिंग करनी चाहिए ना मेरे लिए तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ बट कल का मेरा प्लान बहुत स्पेसिफिक है बाय द वे एंड दिस इज़ नॉट अ प्लग बट आई एम गोइंग टू वॉच गली बॉय टुमारो आई कांट वेट आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैंने कभी कोई फिल्म प्री बुक की हो बड़े टाइम बाद मैंने प्री बुक किया एंड आई एम वॉचिंग इट टुमारो आई थिंक बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म लग रही है मैं ट्रेलर से ही काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैंने सब कुछ देख लिया रिलेटेड टू इट ऑल द वीडियोज दैट हैव कम आउट इवन द इंटरव्यूज दैट यू गाइस हैव डन मैंने सब देख लिया है तो अब मैं फिल्म देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ आप भी जाने वाले हो गली डेफिनेटली बट मेरी अभी तक टिकट्स नहीं है मेरे पास और मुझे लगता नहीं कि अभी मिलेगी बहुत लेट हो गया है बट आई रियली वॉन्ट टू वॉच इट इज लुकिंग लाइक अ ग्रेट फिल्म एंड अ स्ट्रॉन्ग कास्ट एंड या ओके जी थैंक यू ओके Wish you all a very, very happy Valentine's Day. Spread the love. Thank you, Jim. Thank you. 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 जी मुझे कलेक्शन ओहेलिया का बहुत अच्छा लगा क्योंकि आई थिंक इस बार उन्होंने काफ़ी हैवी चीज़ें की हैं बहुत सारा एम्ब्रॉयड्री है और अभी लोग
काफ़ी ड्रेसअप हो रहे हैं आई फील फॉर इवेंट्स भी, वो थोड़ा एथलीजर का फेस थोड़ा कम हो गया है. तो आई थिंक इट्स लवली, उन्होंने फ्रिंजेस यूज़ किए हैं, क्रिस्टल्स यूज़ किए हैं, एंड आई लाइक दैट बिकॉज़ आई फील दैट व्हेन यू वेयर क्लोथ्स लाइक दिस यू फील लाइक अ प्रिंसेस. आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहेंगे, ये भी ओहेलिया का है या? जी हाँ, मैं आज ओहेलिया का ही पहन रही हूँ. आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये जो बो है इन द फ्रंट एंड ऑल इट रिमाइंड्स यू के पुराने ज़माने के 50s में जो ब्रिटिश कपड़े होते थे, द प्रिम ड्रेस विद द बो एंड यू नो द लिटिल प्रॉपर स्कर्ट. तो मुझे वो फीलिंग आ रही थी एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस. शी इज़ डन लवली एम्ब्रॉयडरी ऑन इट जो इंडिया में काफ़ी मशहूर है. आज की हमारी एम्ब्रॉयडरी तो वर्सेचे भी यूज़ करते हैं. सो आई थिंक इट्स ग्रेट व्हेन इंडियन डिज़ाइनर्स यूज़ एम्ब्रॉयडरी इन देयर आउटफिट्स एंड दे स्टाइल वेस्टर्न आउटफिट्स सो ब्यूटीफुली. जैसा कि आपने ये बताया कि जो पुराने ज़माने के जो एम्ब्रॉयडरी या ड्रेस होते थे ब्रिटिश के टाइम के, उसे कितना इंजॉय करती हैं, पहनना या फिर भी जाना? उसे पहनना या इन्जॉय करना, अभी आज के ज़माने में आप ओल्ड टाइम के ड्रेसेस इतने नहीं पहन सकते हो, लेकिन उनके इन्फ्लुएंसेस ज़रूर आते हैं एंड आई लाइक दैट. काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ऐसे लगता है कि यू नो वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म जो कहते हैं, पुराने ज़माने का जो फीलिंग है, वो कभी कभी आप में भी वो फीलिंग जागती है कि यू नो इट फील्स लाइक ओ माई गॉड आई एम फीलिंग सो ओल्ड एंड ट्रेडिशनल. वैलेंटाइंस डे, यस. आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक दिन होता है जहाँ हम सब प्यार सेलिब्रेट करते हैं एंड दिस ईयर आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट इट विद द पर्सन आई लव द मोस्ट, दैट्स माई मॉम. तो मतलब यू मॉम एंड जितने भी लोग हैं ऐसी कुछ प्लानिंग होती है, चलो आज किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे? नहीं, आई थिंक ये रोज़ की प्लानिंग होती है जब भी हम मिलते हैं, बट आई थिंक वैलेंटाइंस डे एक ऐसे यू नो लाइक दिन हो गया है जहाँ मर्चेंडाइज बहुत ज़्यादा होता है, लोग शॉप्स में ज़्यादा सेल्स होते हैं. सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट व्हाट द शॉप्स आर क्रिएटिंग लाइक अ डे. हम रोज़ प्यार सेलिब्रेट करते हैं एंड दैट्स व्हाट आई थिंक वी शुड डू. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. फ्यू सेकंड्स, थोड़ा सा पॉज. Very good.